चैतन्याचे सुंदर धाम पुरुषोत्तम परमेश्वराम भक्ती भाव तेथे राम सगुण सुंदर आहे राम। Jai Shri Mataji to all my divine brothers and sisters. Jai Shri Mataji Didi, andar ki Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji, sabhi Jai Shri Mataji Didi. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji, sabko Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji. Ram Lala ki pran pratishtha sabko mubarak ho. Bahut hi shubh din hai. बाह्य प्रपंच में ही सही श्री राम का आगमन हुआ है और पुनः प्रतिष्ठापित हुए हैं श्री राम। सबको मुबारक। जय श्री माता जी। दीदी आपकी वॉल्यूम थोड़ी सी कम है आज ना। आज एक्चुअली मैं खुद करने की कोशिश कर रही हूँ सेशन अपने आप इसमें, इसलिए थोड़ा सा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज बेयर विद मी। कोई आ रहा है आवाज? अभी आवाज दीदी आ रहा है लेकिन ना ऐसे गूंज रहा है आवाज, जैसे बहुत दूर से आप बोल रहे हो। हाँ दीदी कम आ रहा है वॉल्यूम। हमने फुल किया है वॉल्यूम बट आपका फिर भी कम आ रहा है। कम है डेस्कटॉप पे है ना इसलिए शायद। अच्छा कोई बात नहीं दीदी। जय श्री माता जी। कोई बात नहीं। जय श्री माता जी। चलिए हम सब ध्यान करते हैं। कमलिया लाओ ना तू। हम दोनों माता जी की तरफ और माँ के श्री राम स्वरूप में दर्शन करते हुए माँ के बहते हुए प्रेम की अनुभूति लेंगे। पूर्ण शांत चित्त से बैठेंगे और प्रवाहित हो रहे माँ के प्रेम का आनंद लेंगे। दीदी आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। दीदी नहीं अभी हम मौन ध्यान कर रहे हैं माँ के चैतन्य की अनुभूति कर रहे हैं। दोनों हाथों पर दोनों हाथों को माँ की तरफ फैलाएंगे और इसका आनंद लेंगे। आज श्री राम के स्वरूप में माँ का प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में 500 साल बाद। माँ बहुत ही प्रसन्न होंगी। चलिए उनके प्रेम की अनुभूति लेते हैं दोनों हाथों में। कंप्लीट साइलेंस। జై శ్రీ మాతాజీ అండి. స్లోగా వస్తుందండి, వినిపించట్లేదు. జై శ్రీ మాతాజీ. प्लीज सभी अनम्यूट कर लीजिए खुद को, बीच में बोल रहे हैं पता नहीं कौन कौन। सब लोग म्यूट कर लीजिए। इस चैतन्य में बह रहा है जो, उस चैतन्य के सहारे हम सब अपनी कुंडली माँ को जागृत करेंगे। और माँ का बंधन लेंगे। वी ऑल विल रेज अवर कुंडलिनी विद दिस फ्लोइंग वाइब्रेशंस एंड टेक बंधन।
वहां के महामंत्र लेंगे साक्षात् महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति मातादि श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओ त्वमेव साक्षात् कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति मातादि श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी मातादि श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति मातादि श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। आज हम पूरी तरह राम नाम में ही विलीन हो जाएंगे, राम की ही धुन गाएंगे, कुछ नहीं मांगेंगे माँ से, यहाँ क्लीन करो वहां साफ करो, कुछ नहीं। बहुत बड़ी नेमत दी है माँ ने, आज अयोध्या में श्री राम जी का पुनरागमन करवा दिया, पुनः धर्म और सत्य को स्थापित करके। माँ ने कहा है बाह्य प्रपंच में जो भी होता है वो पहले हमारे अंदर घटित होना चाहिए, अगर बाहर शांति स्थापित करनी है तो हमारे अंदर शांति स्थापित होना बहुत जरूरी है। आज कुछ हद तक धर्म और सत्य की स्थापना हुई है, 5 साल बाद अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठापन होगा, तो हम सब सहयोगियों के मन में एक विश्वास जगा है कि माँ कामयाब हुई है, शायद हमारे अंदर भी सत्य और धर्म की स्थापना करने में। बहुत खुशी का दिन है, सिर्फ राम नाम ही लेते जाएंगे हर चक्र में, मूलाधार पे पूर्ण चित्त रखेंगे और माँ के राम स्वरूप के
भी गणेश स्वरूप का ध्यान करेंगे, यानी कि श्री राम एक छोटे से बालक के स्वरूप में जो अभी-अभी घुटनों के बल चल रहे हैं और अभी-अभी चलना सीख रहे हैं, उनके दर्शन, उनके गणेश अबोधिता के दर्शन करते हुए मूलाधार पे चित्त रखेंगे और भजन सुनेंगे। तुमकी चलत रामचंद्र, तुमकी चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, तुमक चलत रामचंद्र, किलकी किलकी उठत धाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत घूम फटाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत घूम फट फटाय, धाय मात गोद लेत, धाय मात गोद लेत, दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, अंचल रजाऊ गझारी, अंचल रजाऊ गझारी, विविध भांति सो दुलारी, तन मन धनवारी, तन मन धनवारी, कहत मृदु वचनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, चित्त को स्वाधिष्ठान पे केंद्रित करेंगे। और श्री राम स्तुति सुनेंगे, ध्यान स्वाधिष्ठान रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय, सीताया पतये नमः। माता रामो मतिप्ता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, श्री राम रामेति रामेति, रमे राम मनोरमे, सहस्रानाम तत्तुल्यम्
पाकिस्तान से आज की हमारी सृष्टि शुरू होती है राम नाम से, और राम नाम में ही डूबते हुए हम चित्त को धीरे से नाभि पर लाएंगे और श्री राम का नाम जारी रखेंगे। श्री राम को अपना दशरथी नाम बहुत पसंद था, क्योंकि उसमें पता चलता है वो दशरथ के पुत्र थे। उसी तरह हमें भी हमारा नाम निर्मलाइट्स बहुत पसंद है, क्योंकि इससे सूचित होता है कि हम माँ निर्मल के बच्चे हैं। चलिए इसी निर्मलता को आगे बढ़ाते हुए नाभि में राम नाम लेंगे। राम 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 नाम तारकम्, राम 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 नाम तारकम्, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, राम 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 नाम तारकम्, राम 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 नाम तारकम्, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम्, जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम्, जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम्, जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम्, शंकर वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, वीर शूर वंदितम रावणादिनाशकम्, वीर शूर वंदितम रावणादिनाशकम्, वीर शूर वंदितम रावणादिनाशकम्, वीर शूर वंदितम रावणादिनाशकम्, आंजनेय जीवनाम राजमंत्र रूपकम्,
కృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తిదాయకం రామకృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తిదాయకం వీరశూర వందితం రావణాది నాశకం వీరశూర వందితం రావణాది నాశకం వీరశూర వందితం రావణాది నాశకం వీరశూర వందితం రావణాది నాశకం ఆజనేయ జీవనామ రాజమంత్ర రూపకం కృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తిదాయకం రామ 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 తారకం రామకృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తిదాయకం రామ 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 తారకం రామకృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తిదాయకం రామ 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 తారకం రామకృష్ణ వాసుదేవ భక్తి ముక్తిదాయకం చెప్పుతూ ధీరే సింగ్ లెఫ్ట్ హార్ట్ పే స్థాపిత కరెంగి శ్రీరామ్ కో ఆత్మారామ్ బోలవ్యాస్ సిర్ఫ్ అప్నే ఆత్మారామ్ కా ఆనంద్ అనుభవ కరెంగి ఆత్మారామ ఆనందరామ తెలియకుంటే కంప్లీట్ సైలెంట్ చిత్త లెఫ్ట్ హార్ట్ అచ్యుత కేశవ హరి నారాయణ అచ్యుత కేశవ హరి నారాయణ భవ భయ హరణ వందిత చరణ భవ భయ హరణ వందిత చరణ రఘుకుల భూషణ రాజీవ లోచన రఘుకుల భూషణ రాజీవ లోచన ఆది నారాయణ ఆనంద శయన దినారాయణ ఆనంద శయన సచ్చిదానంద సత్యనారాయణ సచ్చిదానంద సత్యనారాయణ ఆత్మారామ ఆనంద రమణ ఆనంద రమణ ఆనంద రమణ ఆనంద आत्माराम हमारे आत्मा की अनुभूति करने के बाद धीरे से चित्त को दाएं हृदय पर केंद्रित करेंगे वी विल प्लेस अवर अटेंशन ऑन राइट हार्ट विच इज लॉर्ड रामास प्लेस विद इन अस दैट इज अयोध्या फॉर अस दैट इज द रेसिडेंस ऑफ श्री राम इन अस चलिए राम आए अयोध्या ये भजन सच्चिदानंद सत्यनारायण सच्चिदानंद सत्य दिए जला मंगल गाओ राम आए राम आए हैं अयोध्या
अनुभव करेंगे श्री राम की आराधना हमारे दाएं हृदय में। को मध्य हृदय पर केंद्रित करेंगे और इस बात की पुष्टि करेंगे कि एकच तो श्री राम चित्त मध्य हृदय पर श्री राम को फील करेंगे और ये भजन सुनेंगे। एकच तो श्रीराम कुणी कुणाचे नाही जगती एकच तो श्रीराम नाम प्रभुचे मंगलकारक देई जीवा विश्राम नाम प्रभुचे मंगलकारक देई जीवा विश्राम कुणी कुणाचे नाही जगते एकच तो श्रीराम सुंदर पिंजरा तो आहे ही क्षणभर म्हणून को हा देहच सुंदर पिंजरा तो आहे ही क्षणभर उडोनी जाता पक्षी त्यातून काय तुझे रे का मंगलकारक दे जीवा विश्राम कुणी कुणाचे नाही जगते एकच तो श्रीराम सारे तिथे पसरले मृग जळ सारे तिथे पसरले हो माघारता तरी रे हो माघारता तरी रे तुझाच केवळ हो निराळे तुझाची आत्मा मंगलकारक देई जीवा विश्राम नाम प्रभुचे मंगलकारक देई जीवा विश्राम कुणी कुणाचे नाही जगते एकच तो श्रीराम कुणी कुणाचे
आज तू श्री राम मन के हृदय में यह एहसास करने के बाद कि हमारे एक तू ही श्री राम चित्त को विशुद्धि पे केंद्रित करेंगे. We all know the functioning of all our sense organs is taken care by श्री राम. हमारे नाक कान मुंह जीभ दांत इन सभी का अंदर से कार्य प्रणाली श्री राम देखते हैं. चलिए इस विशुद्धि का उपयोग उन्हीं का नाम जपने के लिए कर लेते हैं. राम नाम गाओ संत राम नाम गाओ राम नाम गाओ संत राम नाम गाओ राम नाम गाई गाई राम को रिझाओ राम नाम गाओ निर्मल नाम गाओ संत निर्मल नाम गाओ राम नाम गाई गाई राम को रिझाओ राम नाम गाओ राम नाम ही को जपो राम ही को ध्याओ राम नाम ही को जपो राम ही को ध्याओ राम नाम कहत कहत प्रमोदित हो जाओ राम राम सुनी सुनाई हियति हुलसाओ राम राम रटत रटत सब विधि सुख पाओ राम नाम गाओ राम नाम गाओ संत राम नाम गाओ राम आदि राम मध्य राम अंत पाओ राम अखिल जगत रूप राम में रमाओ राम आदि राम मध्य राम अंत पाओ निर्मल अखिल जगत रूप राम में रमाओ निर्मल में रमाओ निर्मल में समाओ राम राम गाओ राम नाम गाओ संत राम नाम गाओ. चित्त को विशुद्धि से आज्ञा पर केंद्रित करेंगे. और ये भजन पूरा चित्त आज्ञा पर विराम से हम सीख सकते हैं. पूर्ण निराहंकारी होना, वो भगवान होते हुए भी उन्होंने अपनी माया अपने ऊपर ही चलाकर सामान्य मानव के रूप में हमारे लिए इस धरती पर वास किया. चलिए सुनते श्री राम की वंदना करते हैं. That's it. You can repay the loan anytime without any penalties and unpledge your.
ರಾಮ 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 ಭಜೆ ವಿಶೇಷ ಸುಂದರಂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪ ಖಂಡನಂ ಸ್ವಭಕ್ತ ಚಿತ್ತ ರಂಜನಂ ಸದೈವ ರಾಮ ಮಾಧ್ವಯಂ ರಾಮ 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 ಜಟಾಕಲಾಪ ಶೋಭಿತಂ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪ ನಾಶಕಂ ಸ್ವಭಕ್ತ ಭೀತಿ ಭಂಜನಂ ಭಜೇಹ ರಾಮ ಮಾಧ್ವಯಂ ರಾಮ 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 ಸಹ ಪ್ರಪಂಚ ಕಲ್ಪಿತಂ ಹ್ಯ ನಾಮ ರೂಪ ವಾಸ್ತವಂ ನಿರಾಕೃತಿಂ ನಿರಾಮಯಂ ಭಜೇಹ ರಾಮ ಮಾಧ್ವಯಂ ರಾಮ 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 ಪಂಚ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ನಿರ್ಮಲಂ ನಿರಾಮಯ ಚಿದೇಕ ರೂಪ ಸಂತತಂ ಭಜೇಹ ರಾಮ ಮಾಧ್ವಯಂ ರಾಮ 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 ಭವಾಬ್ಧಿಪೋತ ರೂಪಕಂ ಹ್ಯ ಶೇಷ ದೇಹ ಕಲ್ಪಿತಂ ಗುಣಾಕರಂ ಕೃಪಾಕರಂ ಭಜೇಹ ರಾಮ ಮಾಧ್ವಯಂ ರಾಮ 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 ಶಿವಪ್ರದಂ ಸುಖಪ್ರದಂ ಭವಚ್ಛಿದಂ ಭ್ರಮಾಪಹಂ ನಿರಾಜಮಾನ ದೈಶಿಕಂ ಭಜೇಹ ರಾಮ ಮಾಧ್ವಯಂ ರಾಮ 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 ರಾಮ
साष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यं व्यासेन भाषितमिदं शृणुते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् इति श्रीव्यासविरचितं रामाष्टकं सम्पूर्णम्। निर्मल राम 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 निर्मल राम निर्मल राम निर्मल राम 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 निर्मल राम राम राम। आज्ञा में माँ के चरणों का दर्शन करके चित्त को सहस्त्र में केंद्रित करेंगे और माँ के अमृत का प्याला पिएंगे। पूर्ण चित्त सहस्त्र पर, अगर सवाल रेज ओवर अटेंशन टू सहस्त्र एंड ड्रिंक द नेक्टर ऑफ राम नाम का प्याला। पीले 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 राम नाम का प्याला हरे पीले 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 निर्मल नाम का प्याला इसको पी कर और पिला कर इसको पी कर और पिला कर बन जा तू मतवाला बन जा तू मतवाला मतवाला हरी नाम का प्याला हरे निर्मल नाम का प्याला ये प्याला हाँ ये प्याला है दुनिया में न्यारा इसकी रंगत न्यारी मीठी मीठी सौंधी सौंधी खुशबू प्यारी प्यारी हरे खुशबू प्यारी प्यारी इसकी बूंद बूंद में पिघले इसकी बूंद बूंद में पिघले सुख का अमृत आला बन जा तू मतवाला बन जा तू मतवाला मतवाला निर्मल नाम का प्याला हारे राम नाम का प्याला कोई इसको सुख से पी कर दुख को दूर भगाए और कोई इसको दूर दूर से दुख का जहर बताए बिना पिए कोई बिना पिए कोई क्या समझेगा बिना पिए कोई क्या समझेगा इसका भेद निराला हाँ बन जा तू मतवाला बन जा तू मतवाला 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 निर्मल नाम का प्याला हारे राम नाम का प्याला हारे निर्मल नाम का प्याला। इस प्याले को पीने के बाद बस माँ की अमृत वाणी ही ग्रहण कर सकते हैं। Let us all listen to Shri Mataji's अमृत वाणी।
घर के डिजाइन से लेकर डिलीवरी। और सबने कहा है श्री राम के बारे में माँ बताएं। आप जानते हैं हमारे चक्रों में श्री राम बहुत महत्वपूर्ण स्थान किए हैं। आपके पिता के कर्तव्य में या उसके प्रेम में कुछ कमी रह जाए तो ये चक्र कार्य। जैसे कि वो पूरी तरह से मनुष्य रूप धारण कर जाए थे, वो ये भी भूल गए थे कि मैं श्री विष्णु का अवतार, भुला दिया गया। किंतु सर्व संसार के लिए वो एक पुरुषोत्तम राम थे कि बचपन का जीवन सब आप जानते हैं और उनकी सब विशेषताएं आप लोगों ने सुन रखी। हम लोगों को सहयोग में ये समझ लेना चाहिए कि हम किसी भी देवता को मानते हैं और उसको हम अपना आराध्य मानते हैं तो हमारे अंदर उसकी कौन सी विशेषताएं आई हैं, कौन से गुण हमने प्राप्त किए। श्री रामचंद्र जी के तो अनेक गुण हैं क्योंकि तो पुरुषोत्तम थे। उनका एक गुण था कि वो जिस राजकारण को करते थे उसमें सबसे ऊंचा उन्होंने जन का मत रखा, न कि अपनी पत्नी या अपने बच्चे इनका ख्याल किया। आजकल के हमारे घर राजकीय लोग पॉलिटिशियंस इस चीज को समझ लें तो उनसे स्वार्थ ही निकल जाए, वो निस्वार्थ हो जाए, धर्मपरायण हो जाए। किंतु श्री राम की जो प्रतिमा है वही आज तक किसी ने भी अपनाने का प्रयत्न नहीं किया। उल्टे उनके भजन जरूर गाएंगे, उनके नाम से बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन ये सब बना लेने से क्या श्री राम आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, क्या आपके जीवन में उनका प्रकाश आ सकता है या नहीं, ये सिर्फ सहयोगी ही कर सकते कि अपने अंदर बसे हुए श्री राम को अपने चित्त के प्रकाश में लाए। वो अत्यंत निरपेक्ष थे, ऐसे तो सभी देवता लोग किसी भी पाप पुण्य से रहित होते। कोई सा भी पाप जिसे हम पाप कहते हैं वो अगर करें तो वो पाप नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण ने इतने लोगों को मारा, श्री राम ने रावण का वध किया, ये हमारे न्यायिक दृष्टि से हो सकता है कि पाप, किंतु परमात्मा की दृष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने दुष्टों का नाश किया, इन्होंने बुराई को हटाया और इनको अधिकार है कि ये इस कार्य को करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। जैसे देवी ने राक्षसों को संहार किया, राक्षसों का संहार किया तो कोई कहेगा कि देवी ने पाप, किंतु उनका कार्य ही ये है कि वो राक्षसों का संहार करें और जो साधु है उन लोगों को संभाले। श्री रामचंद्र जी के जीवन में एक अहिल्योद्धार बहुत बड़ी चीज है, उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया क्योंकि उसके पति ने उसे शापित कर दिया। उस जमाने में भी कोई स्त्री अगर किसी भी तरह से वाम मार्ग में चली जाती थी तो उसका पति अगर साधु हो और उसकी स्थिति अगर ऊंची हो तो उसे शापित कर देता था। किंतु अहिल्या पे झूठा ही उन्होंने आरोप लगाया था, इल्जाम लगाया था और इस तरह से उसको भी उन्होंने पत्थर बना दिया, तो श्री राम ने उस अहिल्या का भी उद्धार कर दिया। विशेषकर उनकी जो पत्नी के प्रति प्रेम की
एक पत्नी व्रत के प्रति जो एक उनका व्रत था वो बहुत समझ में रहा है। हालांकि वो जानते थे कि सीता जी महालक्ष्मी स्वरूपा है, वो स्वयं देवी है, किंतु मनुष्य के रूप उन्होंने अपने पत्नी के सिवाय किसी और स्त्री के तरफ आंख उठा करके भी नहीं थी। जब हम राम की बात करते हैं तो हमारे अंदर जो पतित्व है वो भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए। अगर कोई स्त्री श्री राम के बारे में सोचती है तो उसको भी अपने पति के प्रति वैसी ही श्रद्धा होनी चाहिए जैसे सीता जी को अपने पति के प्रति थी, और उसी प्रकार पति को भी श्री राम जैसे एक पतिव्रत होना चाहिए। स्वजन में बात कठिन नहीं, स्त्री का मान रखना चाहिए, अपने पत्नी को मान से रखना चाहिए। और हालांकि रावण उनको उठा ले गए थे तो भी श्री राम ने ये कर्तव्य समझा कि सीता जी को वहां से छुड़ा कर लाए, और लोकनंदा के लिए जनमत को रखने कितना उनमें संतुलन था, उसी सीता को जिसके लिए इतने वर्ष मेहनत करके उसको छुड़ा कर लाए थे उन्होंने त्याग दिया। अर्थात सीता जी स्वयं साक्षात देवी थी तो उनका त्यागने का तो कोई विशेष परिणाम नहीं होने वाला था और उन्होंने उन्हें त्याग दिया। कारण लोग ऐसी बातें करते हैं जो जन हित के खिलाफ, क्योंकि उनका आदर्श इसी तरह से ऐसा न बन जाए कि जिससे लोग अपने यहाँ इस तरह की औरतों को पनपाए, इन पर की लोग शक करते। हालांकि वो निष्कलंका थी और देवी स्वरूपा स्वच्छ निर्मल थी, उनको त्यागने पर भी फिर सीता जी ने भी उनका एक तरह से त्याग कर दिया। उन्होंने स्त्री जैसे रामचंद्र जी का त्याग किया और श्री राम ने पुरुष के जैसे उनका त्याग। सीता जी स्वयं ही पृथ्वी में समा गई और फिर अंत में श्री राम जी ने भी सरयू नदी में अपना देह त्याग किया। इस प्रकार इनका जीवन अत्यंत घटनात्मक और चमत्कार पूर्ण है। सारे जीवन में देखिए तो सीता और राम का आपस का व्यवहार और उनका एक दूसरे के प्रति श्रद्धामय रहना। हालांकि उन्होंने सीता जी का त्याग किया था पर सीता जी ने सोचा कि ये उनका परम कर्तव्य है और उन्होंने कभी उनकी बुराई नहीं, उनके बारे में कभी बुरा नहीं कहा और बड़ी सुगमता से अपने बच्चों को चलाया, उनको पनपाया, उनको बढ़ावा दिया। All human beings communicate. But do all human beings communicate? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे आदर्श हैं। माता जी से प्रार्थना करेंगे कि उनके सभी गुण हमें आशीर्वादित करें। इसकी प्रार्थना के साथ माँ के चरणों में शीश झुकाकर वंदन करेंगे, हाथ जोड़कर नमन करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे आज के सुंदर ध्यान के लिए। माँ इस सत्र के दौरान अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो, जाने या अनजाने में क्षमस्व परमेश, क्षमस्व परमेश, क्षमस्व परमेश, सभी कुंडली में उठाकर बंधन लेंगे।
सभी भाई बहनों को निर्मल रात्रि। जय श्री माता दी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। निर्मल रात्रि। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अभी किसी को वेट करना है तो कर सकते हैं, अभी विटनेस सेशन है, जिसको जानना है तो जा सकते हैं। जय श्री माता जी। अभी विटनेस सेशन कौन है वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी टू एवरीवन। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। दीदी विटनेस सेक्शन है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय बोथ द पाम्स टुवर्ड्स श्री माता जी। दोनों हाथ श्री माता जी के सामने। श्री माता जी यू आर द डूअर, यू आर द एंजॉयर। आप ही करता हो और आप ही कर्विता हो। वी डू नथिंग श्री माता जी। हम कुछ भी नहीं करते हैं। लेट अस ऑल ट्राई टू फील द वाइब्रेशंस ऑन अवर बोथ पाम्स। दोनों हाथों का जो चैतन्य है उसको हम महसूस करते हैं। By feeling the vibrations on our both palms, let us all bow down at the lotus feet of Shri Mataji and take collective bandhan. Chaitanya mehsoos karte huye, hum Shri Mataji ke saamne bandhan karke kundalini chada ke bandhan lete hain. After taking collective bandhan, let us all observe the changes on our both palms. Samuhik bandhan lene ke baad, dono haathon ka jo badlav hai, usko hum mehsoos karte hain. Let us all completely forget about everything. Hum sab kuch bhul jate hain. Let us all forget about the past, about the future. Let us all try to be continuously stay in the present. हम अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं, वर्तमान में रहने की कोशिश करते हैं। कंप्लीट अटेंशन विद इन आवर्स, चित पूरी तरह से हमारे अंदर। Now let us all place our left hand towards Shri Mataji and right hand 2 inches above our head. बाएं हाथ Shri Mataji के सामने और दाएं हाथ सर के 2 इंच ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हम काली महसूस करते हैं कि भ्रमरंध्र पूरी तरह से खुल रहे कि नहीं,
और दोनों हाथों में समान तरीके से ठंडक आ रही कि नहीं. Here we will just observe whether our Brahmarandhra is completely opening or not, and are we getting equal vibrations on our both palms or not. हम धीरे से हमारे दाएं हाथ को अभी ऊपर लेते जाएंगे, जहां पर हमें चैतन्य महसूस होती है वहीं पे हमारा चित्त को छोड़ के दाएं हाथ गोदी पे लेके आते हैं. स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल टेक अवर राइट हैंड हायर एंड हायर टिल वी फील द कूल ब्रीज कमिंग आउट फ्रॉम अवर भ्रमरंध. वी विल प्लेस अवर अटेंशन देयर एंड ब्रिंग बैक अवर राइट हैंड ऑन द लैप. Shri Mataji, by your grace, we are all the pure spirits. Ma, aapki kripa se, hum sab shuddh atma hai. Let us all try to observe through witness state. Hum sakshi bhav se dekhne ki koshish karte hain. Now we will do the same action with our left hand, right hand towards Shri Mataji and left hand 2 inches above our head. Daya haath Shri Mataji ke samne aur baya haath sar ke 2 inch upar. धीरे से हमारे बाएं हाथ को ऊपर लेते जाएंगे, जहां पर हमें चैतन्य महसूस होती है वहीं पे हमारा चित्त को छोड़ के बाएं हाथ गोदी पे लेके आते हैं. लेट अस ऑल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद एनी थॉट्स. किसी भी तरह की सोच विचार से विचलित नहीं होंगे. साक्षी भाव से देखने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से. अभी हम धीरे से हमारे चित्त को मूलाधार से सहस्रार और सहस्रार के भी ऊपर लेके जाते हैं. स्लोली वी विल रेज अवर अटेंशन फ्रॉम अवर मूलाधार चक्र टू सहस्रार एंड अबाउ सहस्रार. Along with this, let us all observe our Sushumna Nadi as well. साथ में हम हमारे Sushumna Nadi को भी देखेंगे. साक्षी भाव से देखने की कोशिश करते हैं बिना किसी विचार के. Without any thoughts, let us all observe through witness state.
अभी धीरे से हमारे चित्त को ससरार के भी ऊपर रखते हुए दोनों हथेलियों को हम महसूस करते हैं. स्लोली बाय कीपिंग आवर कंप्लीट अटेंशन अबाउट ससरार, लेट अस ऑल ऑब्जर्व द सेंटर ऑफ आवर बोथ पाम्स. डोंट पुट प्रेशर, यहाँ पे हमें दबाव डालने की जरूरत नहीं है. लेट अस ऑल गिव टाइम फॉर आवर सेल्स, इट विल हैपन स्लोली. By the grace of Mother, we are all pure spirits. माँ की कृपा से हम सब शुद्ध आत्मा हैं. हम साक्षी भाव से देखने की कोशिश करते हैं. Now slowly let us all open our eyes and we'll look at Shri Mataji's lotus feet. धीरे से हम आंख खोल के श्री माता जी के चरण कमलों को देखेंगे बिना किसी विचार के. विदाउट एनी थॉट्स वी विल लुक एट श्री माता जी लोटस फीट. नाउ स्लोली वी विल क्लोज अवर आइज. धीरे से हम आंख बंद करेंगे. अभी चित को पूरी तरह से श्री माता जी के चरण कमलों पे लेके जाते हैं. स्लोली वी विल रेज अवर अटेंशन टू द लोटस फीट ऑफ श्री माता जी. चित को पूरी तरह से श्री माता जी के चरण कमलों पर रखते हुए हम पूरी तरह से सच्चाई से तीव्रता के साथ भक्ति और प्रेम के साथ हृदय में ये प्रार्थना बोलते हैं. श्री माता जी कृपया करके आप हमारे चित को आपके दिव्य चरण कमलों में विलीन कर दीजिए माँ. विद कंप्लीट भक्ति लेट अस ऑल से दिस प्रेयर इन अवर हार्ट by keeping our complete attention at the lotus feet of Shrimatiji, with complete sincerity, with complete bhakti, with complete surrender. Let us all say this prayer in our heart. Shrimatiji, please take our attention and merge it into your divine lotus feet. After saying this prayer in our heart, let us all wait and observe. हम शांति से महसूस करने की कोशिश करते हैं. ओनली थ्रू आवर भक्ति विथ आवर कंप्लीट सरेंडर सिंसियरिटी एंड इंटेंसिटी कैन मेक आवर मदर हैप्पी. हमारी पूरी भक्ति सच्चाई से तीव्रता और पूरी भक्ति और प्रेम से ही हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं. सो लेट अस ऑल डेडिकेट आवरसेल्व्स एट द लोटस फीट ऑफ श्री माता जी कंप्लीटली. हम सब कुछ भूल जाते हैं. हम खुद को श्री माता जी के चरण कमलों में समर्पण करते हैं पूरी तरह से, पूरी तरह से. माँ और हम, ओनली मदर एंड वी. लेट अस ऑल स्लोली ट्राई टू गेट ड्रेंच इनटू दिस ओशन. हम बूंद से सागर में विलीन हो जाते हैं धीरे से.
लेट अस ऑल फील द प्रेजेंस ऑफ श्री आदिशक्ति माँ। श्री आदिशक्ति माँ की उपस्थिति हम महसूस करते हैं। Mother, please improve us daily so we all can become your real instruments. Maa, kripaya hame pratidin sudhare taki hum sabhi aapke instruments ban sake maa. Both the palms at our heart level, dono haath hriday ke level tak leke aate hain. With folded hands, let us all thank Sri Mataji from the bottom of our heart for giving us all a beautiful witness practice session today. हम सभी हाथ जोड़ के श्री माता जी को हृदय की गहराई से धन्यवाद कहेंगे। माँ, आपकी कृपा से हम सभी को एक सुंदर और आनंददायक साक्षी भाव के ध्यान की स्थिति देने के लिए आपका अनंत कोटि प्रणाम श्री माता जी, आपका कोटि कोटि प्रणाम। With this complete bhakti and with complete prayer, love in our heart, let us all humbly bow down at the lotus feet of Shri Mataji and take collective vandan. Isi prarthana ke saath, hum sabhi bhakti purvak, purna samarpan bhav ke saath, Shri Mataji ke saamne vandan karke, kundalini chada ke bandhan lete hain. While taking collective bandhan, let us all do it very slowly with lot of bhakti and devotion to our mother. Jai Shri Mataji to everyone. Sabko Jai Shri Mataji. Thank you all for joining the session. Have a Nirmal Ratri to everyone. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji. We will slowly wind up the session right now. Thank you all for joining. Jai Shri Mataji. जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी दीदी।